तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो रोमानिया है शंगन में एंटर करेगा या नहीं करेगा। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ये बात है कि शंगन में आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है मीटिंग पर। और जितनी भी पहले मीटिंग हो चुकी है, सब में जो ऑब्जेक्शन है, सब एक ही, जो आपको भी बताए वो एक ही देश की ऑब्जेक्शन है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि जो ये हमारा जो रोमानिया है शंगन में आने से पहले अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को जो है सिक्योर करे। आई डोंट नो, वो यही मतलब एक मुद्दा है, एक ही लेके पकड़ के उसको खींच रहा है और उसके पास कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है। और जितनी भी मीटिंग्स हुई सब में एक ही पॉइंट है। और अभी फ़िलहाल रोमानिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक सख्त फैसला लिया है कि जो दिसंबर में मीटिंग है, अभी नेक्स्ट दिसंबर का मंथ में फाइनल मीटिंग है जिसमें डिसीजन पूरा होगा कि शंगन में आएगा या नहीं आएगा। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग रखी हुई है हमारे जो रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने। तो अभी इसको बोलते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि शंगन में आ जाएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को जो अपडेट होती है मैं आपसे वही शेयर करता हूँ। तो जो दिसंबर में जस्टिस ऑफ होम अफेयर की जो हित में जो भी फैसला लिया जाएगा, और रोमानिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ये रखी है कि अगर ये लास्ट मीटिंग में भी अभी ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि वीटो करना है, अगर वीटो होता है, ठीक है, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी कोई ऑब्जेक्शन लगाई ये इलीगल माइग्रेशन को लेके, तो फिर जो रोमानिया है वो लीगल ही एक्टिविटी करेगा, वो लीगल इसको बोलते हैं केस फाइल करेगा, जो लीगल प्रोसेस होता है फिर उस वे में जाएगा। और रोमानिया अपने ये पॉइंट रख रहा है कि आप हमारी डिसएडवांटेजेस देख रहे हो, ये है वो है, हालांकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था और जो कि उसमें वो सफल रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट का नाम है पायलट प्रोजेक्ट, जो कि वो कामयाब रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। बाकी और भी जो जिसको बोलते हैं कि रोमानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहा है कि हमारी जो डिसएडवांटेजेस आपको दिखती हैं कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन जो एडवांटेजेस हैं, जो हमने इम्प्रूवमेंट की है पिछले 10 सालों से, वो कोई भी नहीं देख रहा। और अभी फाइनल मीटिंग में अगर तो ऑस्ट्रेलिया कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा तो रोमानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो केस फाइल करेगा और जो लीगल इसको बोलते हैं प्रोसेस, वो लीगल प्रोसेस वे में उसको हैंडल करेगा। तो होपफुल कि अभी ऑस्ट्रेलिया अपना डिसीजन बदले या नया बदले, ये तो टाइम बताएगा, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे को जो अपडेट है वो आपसे शेयर करता हूँ। तो अभी वेटिंग है दिसंबर की, दिसंबर में देखते हैं क्या बनता है, और जो भी अपडेट रहेगा मैं आपसे शेयर करूँगा कि रोमानिया जो है शंगन में एंटर करेगा या नहीं करेगा। तो होपफुल गाइस, जो मेरे पास जो अपडेट थी मैंने आपसे शेयर कर दी। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी वेटिंग है दिसंबर की, और दिसंबर में जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपसे भी वो शेयर जरूर करूँगा। थैंक्स अ लॉट।